कोलकाता में कोरोना के एक नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। कोलकाता एयरपोर्ट में जांच में एक ब्रिटिश महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और उन्हें तुरंत बेलेघाटा आईडी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। बीते शनिवार को भी बैंकॉक से कोलकाता लौटा एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। विमान में सवार बाकी यात्रियों को भी फिलहाल निगरानी में रखा गया है। कोलकाता में कोरोना के नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार को आरटीपीसीआर जांच में एक ब्रिटिश महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और उन्हें तुरंत बेलेघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज शुरू कर दिया गया है। विमान में सवार अन्य यात्रियों को फिलहाल निगरानी में रखा गया है और उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बीते शनिवार को बैंकॉक से कोलकाता लौटा एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हो गया था। सोमवार सुबह कुआलालंपुर से एक विमान दमदम एयरपोर्ट पर उतरा। वहां सभी यात्रियों की कोरोना जांच की गई। जब ब्रिटिश महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे तुरंत बेलेघाटा आईडी ले जाया गया। ज्ञात हुआ कि ब्रिटिश महिला कुआलालंपुर से कोलकाता होते हुए बिहार के बोधगया जा रही थी। विमान में 33 यात्री सवार थे। ब्रिटिश महिला को फिलहाल अस्पताल में ही रखा जाएगा क्योंकि कोलकाता में उसका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसका सैंपल कलेक्ट कर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के पास इस परीक्षा के लिए बुनियादी ढांचा है। हाल ही में कोरोना के ओमिक्रॉन प्रजाति का नया सब वेरिएंट BF.7 चीन में व्यापक रूप से फैल गया है। इसकी संक्रामक शक्ति इतनी अधिक है कि एक दिन में 3 करोड़ लोगों के संक्रमित होने की सूचना है। चीन के अलावा कोविड का प्रसार दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान में फैल गया है। भारत सरकार अलर्ट हो गई है और देश के सभी एयरपोर्ट्स पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली, आगरा, ओडिशा, बोधगया के बाद इस बार कोलकाता में एक विदेशी महिला कोरोना वायरस की चपेट में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके सपनों की नींव हो सबसे मजबूत, उसे दीजिए मजबूती का डोज। JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।